हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। तो बहुत टाइम से मैंने ऑयल पेंटिंग नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रंगोली बना रही थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वाटर कलर और ऑयल में मैं कुछ काम करूं। बहुत टाइम से मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक राउंड कैनवास पर कुछ बनाती हूँ। तो हमने क्या किया कि हमारी पूरी एक वॉल है ब्लू कलर की, उस पर हमने छापे जो आते हैं ना, स्टैम्प्स आते हैं, उससे पूरी ब्लॉक पेंटिंग की है। तो उसके लिए हमें कुछ बहुत अच्छी सी इमेज चाहिए थी। हमने बहुत सर्च किया, फिर सोचा कि क्यों ना जो मैंने खुद का फ़ोटोशूट करवाया था, बहुत अच्छे वो फ़ोटोज़ थे, तो बहुत अच्छी सी एक पोर्ट्रेट है, देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम हमारी पैलेट लेंगे, उसमें कलर्स डालेंगे और कैनवस लेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले डार्क टोन यूज़ किया है। पहले मैंने ब्राउन कलर लिया है, ब्लू कलर लिया है और उसी के साथ हेयर्स वाला पोर्शन कंप्लीट करके जो हेड पर येलो कलर का पोर्शन है वहाँ पर मैंने येलो कलर के बहुत सारे शेड्स यूज़ किए हैं, डार्क टू लाइट शेड यूज़ किया है। उसी के बाद मैंने स्किन शेड बनाया। स्किन शेड में मैंने यहाँ पर येलो कलर और ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा रखा है क्योंकि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो उसकी जो लाइटिंग है वो है दिए वाली लाइट, तो दिए की लाइट से वो पूरा फेस जो है वो ऑरेंज ऑरेंज और येलो शेड में दिखाई दे रहा है। तो हमें वार्म कलर्स यूज़ करना है। वार्म कलर कौन कौन से होते हैं, येलो ऑरेंज रेड, तो हमने ये वाले कलर्स यूज़ किए हैं। और ब्लैक कलर हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, जहाँ पर भी आपको डार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ नहीं है। वहाँ पर हमने रेड और बर्न चाइना, जो हमारा ब्राउन कलर है बर्न चाइना, और उसी के साथ पर्शियन ब्लू यूज़ किया है क्योंकि पर्शियन ब्लू जब हम रेड या फिर बर्न चाइना के साथ मिक्स करते हैं तो वो ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैकिश इफेक्ट देता है। और उसी के साथ हमने यहाँ पर बहुत सारे टोन में वर्क किया है, हमने डार्क टू लाइट काम किया है और यहाँ पर मैं फिनिशिंग देते हुए स्टार्टिंग से आई हूँ। तो स्टार्टिंग से मैंने फिनिशिंग दी है, छोटी छोटी डिटेल्स दी है। अभी ये हाइपर रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि हमने अभी इसमें बेस कंप्लीट किया है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी बेस। जो मेरा एक मतलब हमेशा से मेरा ऐसा रहता है कि मैं पूरी जगह डार्क करके लाइट लाइट पे नहीं आती हूँ, एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हुए नीचे आती हूँ, ऊपर से नीचे की साइड, और हमेशा सभी को यही सिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने सेम किया है कि मैंने हेड से स्टार्ट किया है तो मैं चिन तक आई हूँ। और हमेशा आप भी यही कीजिए क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपना हाथ रख लेती हूँ कैनवस पर और हाथ पे कलर लग जाता है, तो हमेशा मैं ऊपर से कंप्लीट करते हुए नीचे आती हूँ और उसके बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है हम उसके ऊपर और कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हेयर्स के लिए भी यही किया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बर्न चाइना के साथ मैंने ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया है, ब्लू कलर यूज़ किया है डार्क करने के लिए। तो बर्न चाइना के साथ आप ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो और ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैं ग्रीन बहुत कम करती हूँ, मैं ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे आदत हो गई है। बाकी मेरे जो जो भी सीनियर्स हैं या सर मैम हैं, उन्होंने मुझे ग्रीन कलर यूज़ करना बताया था हर बार, वो ग्रीन ज़्यादा यूज़ करते थे, ब्लू कम करते थे, बट मैं ब्लू ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और जो नेक है, नेक पर भी आपको सेम कलर शेड यूज़ करना है, आपको स्किन टोन में ऑरेंज कलर और येलो कलर ज़्यादा यूज़ करना है। ये वाला पोर्ट्रेट जो है यह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसके आगे वाला देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसमें हमने सिर्फ इतना ही बताया है कि कैसे आपको कलर्स यूज़ करने हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको उसको ब्लेंड करना है। आप ड्राई ब्रश की मदद से उसे प्रॉपर ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमेशा अपने ब्रश जो भी आप यूज़ कर रहे हो ऑयल से, उसे तारपिन ऑयल से वॉश कर ही रखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ये आज की टिप थी आपके लिए। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक कर देना, और जो भी आपका आर्टिस्ट फ्रेंड है या फिर जो भी ऑयल पेंटिंग बनाना चाहता है उसके साथ शेयर भी कर दो, और क्या अच्छा लगा वो कमेंट करना। और जो भी डाउट हो ना आपको कि कैसे कलर कहाँ से लेने, कौन से वाले कलर लेने, या कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाय, थैंक यू सो मच।